क्या किसी के झगड़े की रंजिश इस कदर भी पहुंच सकती है कि किसी पक्ष का साथ देने वाला ही बलि का बकरा बन जाए। जी हां, ऐसा हुआ है पलवल के आलापुर गांव में, जहां का गोपाल नामक शख्स दो पक्षों के झगड़े में भेंट चढ़ गया। दरअसल गांव के ही हरकेश नामक व्यक्ति का गाँव के महावीर, दिनेश, सुमेरी और अन्य लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते 2 दिसम्बर को महावीर, दिनेश, सुमेरी और अन्य साथियों ने गोपाल का रास्ता रोका और हरकेश की मदद करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी और इस रंजिश में उन्होंने साजिश के तहत उसकी हत्या करवा दी, जिसकी शिकायत मृतक के रिश्तेदार ने पुलिस को दी है। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि उसके भाई का शव गांव के फ्लाईओवर के पास मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। गयी वे 8 बजे निकला है घर से और फोन वोन भी रखता नहीं है और वहाँ बाइक भी चलानी नहा गई। उसके बाद हमें तो सुबह ही पता चला है, मैंने कहा ब्याह शादी में गया होगा, अलग अलग रहते हैं भाई, हमें तो कुछ पता नहीं। सुबह ही हमें पता चला है 6 बजे जो उसकी डेड बॉडी फ्लाई ओवर के नीचे पड़ी है, किसी ने मर्डर कर दिया उसका। जब हम वहाँ पे गए हैं, इधर से सरकार भी गई है, इन्होंने भी अपना जो वहाँ मौके पर देखा पुलिस ने, हाँ उसके ये सर जो है, सर उसका ये पिलपिला हुआ, सिर की चोट से मरा है भाई, और एक यहाँ गले में ऐसे निशान है, अच्छा गलत है, और एक यहाँ से फूटा हुआ है, 3 जगह चोट है उसके, बाकी वो मरने का कारण तो सिर की चोट का है। अच्छा 8 बजे जब निकल के गए हैं, 8 बजे जब गए हैं कुछ कह करके गए थे? नहीं कुछ नहीं कह के गए, ऐसे चले गए, चले जाते थे। उनका कभी क्या है, नाइट ड्यूटी होती थी उनकी, कभी दिन की होती थी। कहाँ पे ड्यूटी करते थे? वे ड्यूटी करते थे जी बल्लभगढ़ या मैं हेलमेट बने वा कंपनी। वही पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। वहीं मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। आज सुबह ही 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन आई थी, आलापुर फ्लाईओवर के नीचे डेड बॉडी पड़ी है। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई वहां पर और जाके देखे तो उस लड़के को चोटें लगी हुई थी। तो आलापुर गांव का रहने वाला था, ये गोपाल नाम का लड़का था, उसको तुरंत ही फिर अपनी प्रक्रिया करने के बाद उनको हॉस्पिटल लिया है और इन्होंने एक एप्लीकेशन दी हमारी, जिस पर हमने 302 की FIR दर्ज कर ली है। 302 और पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, जैसे पोस्टमार्टम होगा डेड बॉडी इनके हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा मृतक का नाम क्या था, क्या करता था? मृतक का नाम गोपाल था और इसकी करीब 34-35 साल की एज थी और ये स्टंट कंपनी है, हेलमेट बनाती है, उसमें सर्विस करता था। जानकारी मिली कि घर से कोई बुला करके लेके गया था? हाँ ये तो इन्फॉर्मेशन आई थी भाई, घर कोई आदमी आया था और इनको घर से बुला के ले गया है। जो अभी ये डाउट कर रहे हैं गांव के, इनका पहले झगड़ा चला हुआ है सुमेरी और गांव का महावीर है, उनके नाम इन्होंने लिखवाए हैं, तो उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में जल्दी ले। अभी कुछ सुराग मिला है कुछ किसी तरह का? अभी कुछ नहीं। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। देखना होगा दो पक्षों के बीच रंजिश के चलते बलि का बकरा बने गोपाल को आखिर कब इंसाफ मिल पाएगा और कब उसके हत्यारे गिरफ्तार हो पाएंगे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सत्य खबर से पलवल के लिए नितिन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।